हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरी कविताओं को इतना सराहने के लिए आप सबका धन्यवाद। एक बहुत ही प्यारी सी कविता लेकर के आज आप लोगों के लिए फिर से आए हैं हम, जिसका शीर्षक हमने दिया है, हाथ से रेत सी फिसलती है जिंदगी। हम सबको पता है कि ये पूरा जीवन नश्वर है, अगले पल का हमें पता नहीं होता। कौन नहीं जानता कि कल क्या होगा, किसी को नहीं पता। और जीवन बहुत क्षणभंगुर है, फिर भी हम अपने मन में बहुत सी कड़वाहट लेकर के बैठे रहते हैं, कभी हमारी ओर से, कभी हमारे अपनों की ओर से। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे जीवन की मधुरता चली जाती है। हम बेवजह परेशान होते हैं, और जो जीवन का आनंद लेना है, जीवन में कुछ करना है, अपने जाने के बाद भी कुछ देकर के जाना है, वो बड़े लक्ष्य को हम भूल जाते हैं। सिर्फ कुछ लोगों तक हम अपना जीवन सीमित कर लेते हैं, क्या ये नहीं पता है? लेकिन फिर भी हम अपने मन पे नियंत्रण नहीं कर पाते, हमेशा उन्हीं उलझनों में उलझे रहते हैं, जिनका अगर कल हम चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे तो निरर्थक रहेंगे। कुछ नहीं रखा है इन बातों में, लेकिन फिर भी जानते समझते हम उसी दिशा की ओर भागते हैं। मन हमारा उन्हीं व्यर्थ के कार्यों में लगा रहता है, जबकि भली भांति पता है कि ये जीवन बहुत छोटा है, बहुत सुंदर है। प्रेम ही सबसे मधुर भाव है जिसको लेकर के हम अपने जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को अच्छा कर सकते हैं। तो इसी पे आधारित हमने जो मेरे अपने मन के भाव हैं और जो मैं महसूस करती हूँ, उसको मैंने शब्द दिया है। हाथ से रेत सी फिसलती है ज़िंदगी, हाथ से रेत सी फिसलती ये ज़िंदगी, हम हवा में महल बनाए बैठे हैं। हाथ से रेत सी फिसलती ये ज़िंदगी, हम हवा में महल बनाए बैठे हैं। अगले पल का पता नहीं, अगले पल का पता नहीं, वर्षों का ख्वाब सजाए बैठे हैं। हाथ से रेत सी फिसलती ये ज़िंदगी, हम हवा में महल बनाए बैठे हैं। 100 ऐब हैं खुद में, 100 ऐब हैं खुद में, हम सब जानते हैं। कौन पूरा है यहाँ, कितनी कमियाँ हैं हमारे अंदर, लेकिन उन कमियों पर हम पर्दा डाल देते हैं और दोषारोपण हमेशा दूसरी ओर कर देते हैं, ज़्यादातर यही होता है। 100 ऐब हैं खुद में, हम सब जानते हैं, बस इस दुनिया से छुपाए बैठे हैं, कोई जान न जाए। अरे जान जाएगा तो जान जाएगा, हम ऐसे ही हैं। 100 ऐब हैं खुद में, हम सब जानते हैं, बस इस दुनिया से छुपाए बैठे हैं। कल तो कभी आएगा ही नहीं, कल तो कभी आएगा ही नहीं, पर उसी की आस लगाए बैठे हैं। जो अभी देखा ही नहीं है, उसके पीछे इतना हम भागते हैं कि जो हमारा आज है उसको हम ख़त्म कर देते हैं। कितना गिरा दें दूसरों को, कितना गिरा दें दूसरों को, बस होड़ लगाए बैठे हैं। सुकून को बेचकर रिश्तों को तोड़कर, सुकून को बेचकर रिश्तों को तोड़कर, नफ़रत का कैसा बाजार सजाए बैठे हैं। हाथ से रेत सी फिसलती ये ज़िंदगी, हम हवा में महल बनाए बैठे हैं। तो अगर मेरी ये मनोभाव आप तक पहुँची तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और आज में जीना शुरू करिए। अपनी जो आपकी खूबियाँ हैं उस पर काम करना शुरू करिए। अपनी ओर से माफ़ करना सीखिए। हम तब तक ही दुखी रहते हैं जब हम सामने वाले से आस लगा के बैठे होते हैं। उनको उनके हाल पे छोड़िए, अपनी ओर से आप बड़ा मन दिखाइए, माफ़ करिए, जीवन में आगे बढ़िए। धन्यवाद।